नर्मदे हर दोस्तों, सुबह के 6:30, शालिवाहन शिव मंदिर आश्रम, दिनांक 10 दिसंबर 2021। इस आश्रम की सुविधा बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी जगह पे आश्रम है। आइए आप और ऐसा ही आनंद उठाइए। आज मैं रुकने की यहाँ सोच रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी मन कर रहा है मैं आगे बढ़ जाऊँ, क्योंकि आगे खलघाट है। खलघाट पे ही कुछ मिलेगा और वो 12-13 किलोमीटर दूर पड़ेगा, तो 12-13 किलोमीटर लगातार चलना पड़ेगा मुझे। देखते हैं कैसा करती है भैया। चलिए नर्मदे हर, नर्मदे हर दोस्तों। अब मैं तैयार हो गया हूँ, लगभग 7:30 बज गए हैं और मैं शालिवाहन महादेव जी से आगे जा रहा हूँ। और स्वर्ण तीर्थ यहाँ पे बोला जाता है शालिवाहन महादेव जी को। और यहाँ पे अभी नई 11 लिंगी स्थापन की है शालिवाहन मंदिर के ठीक पीछे, आपको वो दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये 11 लिंगी स्थापन की हुई है, ये 3, वो 3, और ये 2, और ये 2, 10, और ये बड़े महादेव जी 1। बहुत सुंदर शिवलिंग। नंदी जी विराजमान, ये भी बहुत सुंदर सुंदर है। तिलकधारी, जनेऊधारी, इसमें नेचुरल ओम है। सारे नर्मदेश्वर शिवलिंग है। ये देखिए तिलकधारी है, ये भी तिलकधारी। इसका देखिए, इसकी छटा देखिए, पूरी छटा, बहुत सुंदर शिवलिंग। और सबसे बड़ा वाला शिवलिंग भी बहुत सुंदर। 11 लिंगी मंदिर है ये पीछे, शालिवाहन के पीछे। चलिए अब आगे दिखाते हैं शालिवाहन का थोड़ा सा। स्वर्ण तीर्थ का यज्ञशाला, पंचकुंडी यज्ञशाला है। किसी ने यज्ञ करवाया है पंचकुंडी। और ये समाधि है महाराज जी की, समाधि अब नाम नहीं बताया किसी ने। और यहाँ के महंत जी, ये सबसे इंटरेस्टिंग जगह। डर रहा है, डर रहा है। इधर 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 मेरे से डर रहा है शायद। ये कुछ ऐसा आश्रम है, यहाँ पे भोजन व्यवस्था। इधर आगे नर्मदा जी के दर्शन। सुंदर सा आश्रम। आप जब भी आओ यहाँ, अगर नहीं रुके तो कुछ फायदा नहीं है। शालिवाहन जी का मंदिर प्राचीन इतना है और वहाँ की पावर अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं की तो कुछ नहीं किया। ये पेड़ जो है ये सबसे प्राचीन है यहाँ पे। यहाँ पे हमारी रहने की व्यवस्था, संत निवास, संत निवास दिखा रहा हूँ लोगों को। यहाँ पे रहने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इस साइड भी है, देखिए। यहाँ पे ज़रूर आए दोस्तों, नर्मदे हर। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, जो हम रात को कपड़े सुखाते हैं ना, उनको ना भूले। मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि वो सुबह निकल जाते हैं और कपड़े वहीं के वहीं रह जाते हैं।
फिर वापस भी नहीं आ सकते, मेरा टॉवेल भी छूटा, और बहुत सारे लोग ऐसे भूल जाते हैं। तो इस वजह से इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, याद में रखें कि कपड़े सुखाए हुए हैं। नर्मदे हर दोस्तों, ये जो बाबा जी आ गए आप देख रहे, ये 102 साल के हैं। इन्होंने परिक्रमा बहुत बड़ी उठाई है, पैदल चलते हैं और बिना चप्पल के। 102 वर्ष इनकी आयु है, ऑलमोस्ट इन्होंने सारा इंडिया घूम चुके हैं। चलिए, हम परमिशन दिया तो उनका वीडियो बनाते हैं। देखिए दर्शन, आपकी मैंने वीडियो बहुत देखी है। हाँ, वीडियो बहुत देखी है, और आपके प्रति दर्शन करने की इच्छा थी। आप खेड़ी घाट में रुके थे, मैं आगे आ गया था। अच्छा, फिर मेरे को पता था आपके दर्शन होंगे, फिर हो ही गए, हो ही गए, हो ही गए। संतों के दर्शन ऐसे नहीं चुकते, जिनको देना होता है दर्शन वो आ ही जाते देने। आप कहाँ से उठाई है? मैंने ओमकारेश्वर से उठाई है जी। अच्छा। ओमकारेश्वर से मैंने उठाई है। अच्छा। अब चल रहा हूँ, अब जितना हो सके। हाँ हाँ। मैया जितना चला रही है। घुटने में बीमारी शामिल है। हाँ हाँ हाँ। ये दुख देगी हमको। सब ठीक हो जाएगा, मैया सब ठीक ही कर देगी। जब तक आपकी परिक्रमा पूरी होगी, वो भी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। आपने पहली किया था कि आपके पहली है? मेरी भी पहली है। अच्छा, बहुत बढ़िया। गुरु जी की कृपा से पहली है मेरी। अब तो अभी बहुत उम्र है, तब अभी और भी हो सकती है, मैया ने बुलाया तो। हाँ हाँ, लगन हो, लगन हो। दोस्तों, अभी जो संत मिले थे वो 102 साल के हैं, जैसे कि मैंने बताया था। लेकिन उन्होंने बताया कि वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, चार धाम और बाकी बहुत सारे मंदिर है, तीर्थ है, उन्होंने पैदल किए हुए हैं। पैदल करना सारी ज़िंदगी उन्होंने सिर्फ यात्रा में लगाई है, बहुत बड़ी तपस्या है। और बहुत भाग्यवान लोग होते ऐसे, और कमी लोग ऐसे जिन्होंने सारी ज़िंदगी, अपनी पूरी लाइफ तपस्या में लगा दी, यात्रा में लगा दी। अच्छी बात है, उनके दर्शन हुए। मुझे तो लग रहा था, वीडियो देखी थी मैंने और उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी थी मुझे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि परिक्रमा में वो मिल ही जाएंगे। कल मेरे साथ ही रुके थे वो शालीवाहन क्षेत्र में, शालीवाहन शिव मंदिर में। वो उसकी वीडियो भी अभी पिछली वीडियो में देखा होगा आपने, डाली थी मैंने। थोड़ा सा सत्संग हुआ उनके साथ, और उनकी ऑडियो अगर सुननी हो तो मैं उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा। उनकी ऑडियो, सत्संग की वीडियो, बहुत अच्छा गाते हैं वो और बहुत ज्ञान है, तो उसकी ऑडियो मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, उसमें ऑडियो सुन लीजिएगा। शालीवाहन से 2 किलोमीटर के बाद बोथू है, बोथू ग्राम। उसके बाद है बलगाम। बोथू ग्राम से बलगाम 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर से पहले कोई गांव नहीं है, पर छोटे छोटे घर है एक दो, और केली के बाग, केले के बाग बहुत सारे हैं, और पपीते के बहुत सारे हैं, और बहुत सारे दिखे भी।
लेकिन मैं तोड़ नहीं सका क्योंकि बिना पूछे लेना चोरी ही मानी जाती है। इस वजह से मैं नहीं तोड़ा और ना ही लिया। और जो दे तो ठीक है, नहीं दे तो हम हाथ बिल्कुल नहीं लगाएंगे किसी चीज़ को, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा में जो हम करते हैं उसका 100 गुना फल मिलता है। तो हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल 100 गुना मिलेगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्म 100 गुना हमको अगली ज़िंदगी में मिलेंगे। अगर हम चोरी करके खाएंगे तो चोरी ही हमको मिलेगी आगे, और चोरी का ही होगा सब। तो इस वजह से बहुत सोच समझ के परिक्रमा करनी है और बहुत सोच समझ के हर काम करना है, क्योंकि उसका 100 गुना फल आपको मिलने वाला है। बहुत सारे नियम होते हैं लेकिन उसका फल का भी कोई चिंता नहीं करता कोई, फल का चिंता करके काम करिए। बाकी है नर्मदा मैया, आपने जो सोचा वो हो जाएगा क्योंकि नर्मदा मैया आपके साथ है, और जितनी बड़े संकल्प उतनी खड़तर परिक्रमा वो करा लेगी, और साथ होने की वजह से उस खड़तर परिक्रमा में भी कुछ नहीं लगेगा। मुझे देखिए कुछ नहीं भी नहीं लगता, मुझे घर वालों मेरे फैमिली को चिंता होती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतने दिन कैसे रह सकता है, लेकिन नहीं मुझे कुछ भी नहीं लग रहा। खाना मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, कहीं रहने को जगह मिली तो भी ठीक है, नहीं मिली तो मुझे लग ही नहीं रहा कुछ भी कि मैं बाहर हूँ। और बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, ऐसा आनंद कभी नहीं आया ज़िंदगी में, और मैं चाहता हूँ कि सारी ज़िंदगी आनंद बना रहे। लेकिन अब मैया के ऊपर है, सारी ज़िंदगी होगा तो बना रहेगा, नहीं होगा तो अब क्या बोल सकते, मैया जैसे कराएगी हम कर लेंगे। देखिए रास्ता किस, दोनों साइड से झाड़ियाँ हैं, अंदर गुफानुमा रास्ता, बहुत सुंदर, ना आगे पीछे कोई है, सिर्फ मैं और मेरी मैया दोनों साथ चल रहे हैं। आनंद छाया, इतनी ठंडी, अभी तो 9 बजे के करीब टाइम हो रहा है, अभी तक सूरज भगवान आए नहीं है। देखिए रास्ता आपको कैसे दिख रहा होगा, आगे गुफा जैसा, थोड़ी दूर तक है गुफा जैसा रास्ता, फिर बाद में शायद कुछ खुला हो जाएगा। मुझे बहुत से लोग बोलते हैं वीडियो में कि कमेंट करके, जो भी संत मिलता है उनके दर्शन कराया करिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है उनको वीडियो बनाना पसंद नहीं है। तब मैं जो अनुमति देते हैं उनके तो बना लेता हूँ, और अब मैं उनके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ, तो इस वजह से, लेकिन कुछ ना कुछ करके मैं अनुमति ले ही लेता हूँ कुछ संतों से, तो बनाने के लिए हाँ करते हैं। और अगली वीडियो में आपको मिलेंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा जोर लगा के उनको बोलता हूँ तब वो हाँ कर देते हैं। तो ऐसा मत समझिए कि मैं दर्शन कर रहा हूँ और आपको नहीं करा रहा हूँ, ऐसा मत समझिए, क्योंकि जो भी संत दर्शन देने के लिए हाँ कर देता है वीडियो में तो उनकी बना ही लेता हूँ मैं। नर्मदे हर।